फिल्म साइन करने का एक रीज़न यही है कि इसमें जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ पप्पू पपुलेशा, ये लर्निंग पर्सन है बट इन द सेम सेंस इज वेरी कॉम्पिटेटिव. और अपार्ट फ्रॉम दैट मैडम के साथ काम करने कब मिलेगा, तो ये सबसे बड़ी रीज़न है कि आई माइट हैव साइंस बिकॉज ऑफ यू नो वर्किंग विद द सेम प्लेटफॉर्म एज मैम. एक्चुअली मुझे ये लग था कि गुजराती फिल्म मुझे अचानक थी और इसके पहले भी गुजराती किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि एक अच्छी शुरुआत जो बोलते हैं गुजराती में मेरी हुई है बैंड वाजा पप्पू चिल्ला. और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना नाम मैंने मुश्किल में कमाया है इस फिल्म से, बैंड वाजा पप्पू चिल्ला से, एक अच्छा नाम मुझे गुजराती में मिलेगा. क्योंकि गाना बहुत हटके फिल्म के चारों हीरो हैं जिन्हें मैंने बहुत छेड़ा है ये गाने में, अगर इतने सीधे हैं ना. जो फिल्म बनी है मुझे लगता है कि गुजराती की पहली अच्छी फिल्म बहुत कॉमेडी बनी है और गुजराती थोड़ा बहुत तो समझता है इंग्लिश में. जितना मैंने ट्रेलर देखा है तो मुझे ऐसा लगा यार ये मैं भी देख लेता हूँ. और देखिए मुझे मजा से राइटिंग करने में आता है, वो गुजराती में पूछती हूँ हिंदी और मराठी हूँ. हर फील्ड में, हर फिल्म में आप कंफर्टेबली हो, दैट इज़ व्हाट एन एक्टर इज़. आप हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अपने अंदर एक मोल्ड कर लेते हो. यू आर नॉट प्लेइंग योर सेल्फ दैट डे, वो कैरेक्टर हो जाता है जब तक वो फिल्म चलती है. अगर मराठी हो या कोई भी फिल्म, तेलुगू हो, गुजराती हो, हिंदी हो, मैं अमीषा मैम के साथ भी कर रहा हूँ, अमीषा पटेल के साथ, रीसी मैजिक, आई हैव लर्न लॉट विद ऑल दोज पीपल्स. एक दिन एक कैरेक्टर जीते हैं, दूसरा दिन दूसरा कैरेक्टर जीते हैं. तो दैट इज वॉट द फन पार्ट ऑफ बींग एन एक्टर इज, यू नो, यू हैव डिफरेंट वेरिएशंस टू शो द पब्लिक वॉट यू आर केपेबल ऑफ. तो दैट्स वॉट हर अलग कैरेक्टर करना चाहिए इंसान को, हर डिफरेंट टाइम्स ऑफ मूवीज करनी चाहिए. सर आपके कैरेक्टर के बारे में बताएंगे कि इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है? जैसे मैंने बताया ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसका नाम है बक्को, बकुलेश शाह इसका कैरेक्टर का नाम है. ये एमएड है, गोल्ड मेडलिस्ट इन इंग्लिश है. ही इज़ वेरी सॉफ्ट, गॉड में बहुत बिलीव करता है. एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट ही इज़ वेरी कॉम्पिटेटिव स्मार्ट. वो दूसरे तीनों लड़कों के पतंग जो चल रही है उसको काटने की कोशिश कर रहा है ताकि वो खुद उस लड़की को जीत सके. तो यही कैट एंड माउस गेम चलती है इन चारों लड़कों में कि कौन किसके आगे निकलता है. दैट इज वॉट एंटायर कैरेक्टर इज अबाउट एंड दैट इज वॉट बॉबी चेकनेस बैंड बाजा बॉबी चेक इज ऑल अबाउट. तो आपने असल जिंदगी में किसी की पतंग काट दी अपने दोस्तों की, कोई आपको लड़की पसंद है और बाकी लोगों को पसंद हो, तो आपने असल जिंदगी में ऐसा कुछ किया है कैरेक्टर से रिलेटेड? दिस आंसर कैन बी आस्क्ड टू दैट दोज गर्ल्स जिसने क्योंकि मैं लड़कियों के पीछे भागता नहीं हूँ, लड़कियाँ मेरे पीछे भागती है. तो उनमें पतंग काटते रहते एक दूसरे की, मैं पतंग नहीं काटता. थैंक यू सो मच.